Subscribe and click the bell icon for television updates. बहुत खूबसूरत जर्नी रही है ये। मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसी जर्नी रही है कि लगे ही नहीं कैसे 5 साल गुजर गए। और मेरा ख्याल है ये सबके साथ, आई वुड से इट्स हैपन विद एवरीवन। हम सबके ये जो हमारा टीम एफर्ट, यूनिट एफर्ट हुआ है, सबके सबके बारे में कहना चाहता हूँ कि सब ने बड़ा मज़ा किया इस शो के बारे में। बहुत बेहतरीन जर्नी रही, जैसा कि आसिफ भाई ने भी अभी कहा कि हमारे सामने बड़े दिग्गज शो थे जब NTV शुरू हुआ था, रज़िया सुल्तान और बहुत बड़े बड़े शोज़ थे, लेकिन ऐसे में भी हम 10:30 बजे के स्लॉट में सर्वाइव किए। बीच में बहुत सारे झटके भी लगे, हमारी भाभी जी ही चली गई थी उस समय, हम थोड़े से हिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शुभागी जी ने आकर जो है एकदम से 6 महीने में ही चीज़ों को संभाल लिया। तो अप्स एंड डाउन्स, गोते गोते खाते 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 हमारी नाव जो है चल रही है। नहीं, बहुत सब लोग बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज सारे एक्टर्स को होना चाहिए था, बट आज हम लोगों के ही सीन्स थे। मैं, आसिफ जी, रोहित जी एंड सानंद, सब लोग होते तो और हुड़दम होती। और हम वैसे हमेशा हर दिन हमारी हम लोग बहुत मस्ती करते हैं यहाँ। कल ही होली था और हम लोगों ने लिटरली होली खेली है, तो वो अपने आप में सारी कहानी बता देता है कि हमारे यहाँ कोई ईगो क्लैशेस कुछ नहीं। टचवुड बहुत अच्छा, टचवुड बहुत अच्छा माहौल है। और ये जो परिवार वाला जो बंधन है ये ऐसे ही बना रहे, क्योंकि जब तक वो कनेक्टिविटी हमारे बीच नहीं दिखेगी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो एंड उसका फिर मैं बोलूँगी कि उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर शशांक बाली, कैप्टन को, वो सबको एक धागे में पिरो कर रखते हैं। ही इज़ द बेस्ट। यस, ये चैनल लॉन्च हुआ था तब बड़े बड़े शोज हमारे साथ भी लॉन्च हुए थे। हमें लगता था कि यार ये भी शो है, ये भी शो है, ये भी शो है, हमारा शो कहाँ टिकेगा। बट देखिए, जो जैसा होना होता है वो होता है। एंड हमारी द ओनली थिंग वी ऑलवेज न्यू फ्रॉम द डे वन वाज दैट वी हैव टू पुट एन ऑनेस्ट अप्रोच। हमारी सबकी बड़ी ऑनेस्ट अप्रोच रही है और वही दैट वॉट रियली वर्कड फॉर अस। वो यही था जब इसकी पहली TRP आई थी, उस समय चैनल बिल्कुल खड़ा ही हो रहा था। उसमें हमारी शाहरुख खान का जो शो शुरू हुआ था, पहला रियलिटी शो, उसके बराबर आ गई थी। तो हमने कहा यार शाहरुख खान के सामने हम, वो भी 10:30 बजे के स्लॉट में। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और उस समय का दौर, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था, अभी तो फिर भी दर्शक बढ़ गए, उस समय नहीं बढ़े थे, तो बड़ा मज़ा आता था। हमारी जिसको हम फालतू कहानी कहते थे उस वो भी एकदम से पॉपुलर हो जाती थी, तो वो चीज़ें भूले नहीं भूलती। सी, पहले दिन तो थैंकफुली वही जैसा मैंने कहा, हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली, उन्होंने पहले दिन से मुझ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला। पहला दिन जब था मेरा एकदम साइलेंट शॉट था, कुछ नहीं। मैं रिक्शा से, अगर आपने फर्स्ट शॉट देखा हो तो मैं अपने मायके से रिक्शे से लौटती हूँ और उतर के अंदर जाती हूँ, और ऊपर सिर्फ मेरे कुछ यहाँ वहाँ विभूति को दिख रही हूँ, धुंधली धुंधली और चलने फिरने के शॉट थे। और उसके बाद फिर मेरा अगले दिन डायलॉग्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन इतना अच्छा लिख कर आता था मनोज जी, इतना आसान कर दिया मनोज जी ने मेरे लिए, जो हमारे राइटर हैं मनोज संतोषी जी, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई और दूसरी भाषा बोल रही हूँ। आई एम फ्रॉम MP, तो मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन जैसे मैं इसमें अवधी में बात करती हूँ, अवधी और भोजपुरी मिक्स, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, या किसी ने मुझे टोका नहीं, या अननेसेसरी मेरा एक्सेंट कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। हमारे डायरेक्टर ने भी ये बोला कि धीरे धीरे आप वो रवानगी में आ जाओगे, तो बिना प्रेशर के जो मैंने काम किया, आई थिंक वो मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो गई। आजकल हम बड़े मज़े करते हैं फ्री टाइम में, एक तो हम साथ खाना खाते हैं, ये हमारी एक सबसे अच्छी खूबी है, हमारी सेट की खूबी है कि हम जो है डायरेक्टर, हम एक्टर सब मिलकर खाना खाते हैं बैठ कर। हाँ, उसके बाद हम जो है ना फ्री टाइम में आजकल TikTok बहुत बनाते हैं और कई बार ऑनलाइन बहुत जाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं उनके सामने, कार्टून फेसेस बनाते हैं, कभी मास्क लगा लेते हैं फिर हटाते हैं ऐसे करके कि पहचान कौन, ऐसे ऐसे करके काफ़ी, मतलब ऐसी हरकतें हम बहुत करते हैं आजकल। काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, जैसे अभी हाल ही में हमने जो स्टोरी की है वो, एक तो GST टैक्स होता है, एक BST, तो भाभी जी से बात करने पर भी टैक्स लगेगा, मतलब इस तरीके की स्टोरीज जो है
खूबसूरत स्टोरीज आ रही, हॉरर कॉमेडीज हम लेकर आ रहे हैं, और हो सकता है अगर चैनल जाएगा तो हम फिर से गोवा का या बाहर का कोई टूर मारेंगे। नहीं, मैंने नहीं की, मैं कभी भी प्रिपरेशन नहीं करती, मतलब अगर मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो बहुत टेक्निकल हो जाती है चीज़ें, मैकेनिकल हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर शुड बी स्पॉन्टेनियस। सी, हम एक्टर्स को एक अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है कि आप आसपास जो भी चल रहा है, जो भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करते रहें, और उनमें से जो जो उनको ठीक लगता है वो चीज़ें लेते रहें। तो वो मैं हमेशा करती हूँ, जो भी मैं परफॉर्म करती हूँ वो मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। मैं कभी प्लान नहीं करती कि मैं इस सीन को ऐसा करूँगी ऐसा, बट हाँ, मैंने बस थोड़ा इस भाषा को बोलने की घर में ठीक बा सही पकड़े हैं, और कब बोले ये सब बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस की थी और फिर हो गया। आपने 5 साल बड़ा अच्छा साथ दिया हमारा, आगे भी देते रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फिल्म के लोग भी हमारे सीरियल से जुड़े हैं, जिनके अक्सर यहाँ पर फ़ोन आए हैं। ये भी एक मेमोरी में है कि सलमान खान ने फ़ोन किया था आसिफ भाई को, यार तेरा शो यार ये भाभी जी वाला बड़ा बढ़िया शुरू हुआ है। जीपी सिप्पी साहब के ऑफिस से हम लोगों को फ़ोन आया था, और अभी जितनी भी आयुष्मान खुराना वाली फिल्में बनी है ना, इसमें हम लोगों को भी बाकायदा करो बोल रहे थे, करो, वो कर नहीं पाए वो और बात है। लेकिन फिल्म के लोग भी हमें जान रहे हैं इस सीरियल से, जो कि बड़ा कम होता है। अमूमन सीरियल एक्टर्स को लेते हैं, चलो यार ठीक है डेली सोप का एक्टर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कहीं भी अब मैं अपने होम टाउन भी जाती हूँ तो वहाँ मुझे मेरे फ्रेंड्स भी भाभी जी भी बोलते प्लीज़ मेरा नाम शुभांगी है। बट बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स जब इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को बहुत सारा प्यार, सारे ही फैंस को लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप लाफिंग। सही पकड़े हैं, सही शो पकड़े हैं।